हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव एंड डिसेप्शन का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके बाद जो भी एपिसोड आएंगे नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट बार तक देखा था जो टाई था वो अपनी सच्चाई जानने के लिए फार्म पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद यहां पर उसे मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाती है जो प्ला के साथ था, और उसे पता चलता है वो प्ला उसकी वाइफ थी। एन ने यहाँ पर ना रूज पहले मना करा था, लेकिन बाद में हमें ये भी पता चलता है कि रूज ने सारी सच्चाई बता दी थी। तो अब यहाँ पर ना टाई ये जानना चाहता था कि आखिर प्ला उससे क्यों भाग रहे है। यहाँ पर वो अपने अंकल के पास चला गया था, अंकल मतलब लॉयर वाले अंकल, और उनकी डेथ भी हो गई थी कुछ सिचुएशन की वजह से। वो आप लोग लास्ट पार्ट में देखिए हॉस्पिटल पर चला गया था, और उसके बाद वो प्ला के घर पे आया हुआ था। यहाँ पर प्ला के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा था, और यहाँ पर उसे बहुत अजीब सी खुशी मिल रही थी। वो बोलते हैं ना मेंटल सेटिस्फैक्शन ऐसा कुछ। और यहाँ पर ना जब प्ला बोलते कि मैं कभी उसे बुला ना पाई, मतलब टैन के पापा को, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी जहाँ पर ना वो अपना फ़ोन भूल गई, उसे जब रियलाइज होता है ना तो वो इसे डांट रही थी याओ को कि अरे यार तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो याओ, अगर होती तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन अंदर चले जाने के बाद वो देखते कि जो टाई था वो तो उसका फ़ोन देख रहा है, और यहाँ पर ऑब्वियसली जो उसके अपार्टमेंट पे जाते टाइम उसने फोटो ली थी वही फोटो देख रहा था। तो वो बोलते कि तुम्हें मैंने नहीं किसी और के फ़ोन देखते, तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुमने मेरे अपार्टमेंट पर मेरा और उसका फ़ोटो लिया तुम्हारे साथ। और वो बोलते कि नहीं मैं बस टैन के लिए ले रही थी, लेकिन यहाँ पर वो बोलता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये फोटो तुमने टैन के लिए नहीं अपने लिए लिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी फैमिली फ़ोटो है। वो बोल रही थी कि तुम पागल हो, कुछ भी समझ रहे हो। तो बोलते कि पागल मैं नहीं, तुम हो गए, तुम मुझे पागल कर रही हो बार बार मुझसे झूठ बोल के, बार बार मुझे परेशान करके, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलते क्या कहना चाहती हो, और उसके बाद उसका नाम बोलता है। तो और यहाँ पर वो भी बोल देता है कि तुम मेरी वाइफ थी ना, तुमने मुझे झूठ बोला। तो यहाँ पर वो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपने एमनेशिया के बहाने में कुछ भी हेलुसिनेट कर रहे, कुछ भी इमेजिन कर रहे, ऐसा बोल रही थी। तो यहाँ पर वो अपना नाम बताता है पूरा, और उसके बारे में बताता है, और अपने पापा का नाम बताता है। तो यहाँ पर ये सब सुनने के बाद प्ला शॉक तो थी, और यहाँ पर वो बोलते कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो प्ला, ऐसा वो पूछ रहा था। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि ठीक है अगर तुम्हें सब कुछ याद है, तो यहाँ पर टाई बोला था हाँ मुझे सब कुछ याद है, मेरी मेमोरी वापस आ गई है। तो यहाँ पर ना जो प्ला थी वो बोलती कि चलो मेरी बहन के नाम बताओ। तो यहाँ पर उसे उसकी बहन का नाम पता था लाइक, लेकिन उसका पूरा नाम पता नहीं था, लीगल नेम, क्योंकि अंकल तो मतलब लॉयर अंकल तो उससे पहले ही चल बसे थे ना। तो यहाँ पर इसी बात को जो बता नहीं पाता, और उसके बाद यहाँ पर ना जो प्ला थी उससे धकेल देती है, और बोलती कि तुम कुछ भी अपनी बीमारी के बहाने में कुछ भी इमेजिन कर रही हो मुझे परेशान करने के लिए, मेरे बेटे को परेशान करने के लिए। और उसके बाद वो बोलती कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, इससे वहीत मतलब उस कंडीशन बने बोल देती है। और उसके बाद यहाँ से वो उसे बाहर धकेल देती है, और यहाँ पर ना वो उसे समझाने की ट्राई कर रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है, और डोर पर नॉक कर रहा था, लेकिन प्ला बोलती है कि इससे ज़्यादा वहीत और सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ। तो यहाँ पर टाई अब क्या करे, उसे पता है ना प्ला किसने जीत दिया। तो उसके बाद वो क्या करता है ना, ये भी बहुत प्यारा सा सीन था, वो बाहर आता है, बाहर आ जाने के बाद वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। तो उसने जो बाल थे ना टैन के वो निकाल दिए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर ना वो उस बाल को देखता है, और उसके बाद वो ना ड्रूज को फ़ोन लगाता है, और उसके बाद बोलता है कि मुझे टैन का बाल मिल गया है, मुझे बताओ कितना वक्त लगेगा जो डीएनए टेस्ट करवाने में, ऐसा वो बोला था। तो अब आपका आइडिया हो गया होगा, उसे जानना है। एन ने नाम में दिखा जाता है प्ला भागते हुए अंदर आती है, और उसके बाद वो सामान पैकिंग करना स्टार्ट करती है। टैन पूछ रहा था मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं इस टाइम पे, तो वो बोलती है हम नए जगह पे जा रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर वो बोलती है मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। तो यहाँ पर वो बोलती बोल रहा था प्ला बोल रही थी कि देखो बेटा यहाँ पर फ्लॉट भी आ सकता है, और आप देखो हमारा कार भी लीक हो रहा था, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और ये जगह सही नहीं है, डेंजरस है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर टैन बोलता है कि ठीक है मम्मा, लेकिन हम अंकल को नहीं बोल सकते, मतलब टाई को। तो बोलती कि देखो उसका नाम बिल्कुल भी मत लेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम उसके बारे में बोलोगे तो मैं तुमसे नाराज रहूँगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद आप मम्मा को थोड़ी नाराज कर सकता था, तो वो बोलती कि ठीक है मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ पैकिंग करने में, बोल देता है। तो अब देखना ये है कि प्ला इस बार भी उससे दूर जा रही है, या फिर जा पाएगी या नहीं, हाउ विल सी डील विद दैट। इन दिन हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि जो टाई था वो रूज को वो दे देता है, और उसके बाद ना रूज बोला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल से हम डीएनए टेस्ट करवाने वाले, तो आई थिंक 3 दिनों तक तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर ना हमें ये भी पता चलता है कि इसके बदले में रूज ने इतनी सारी हेल्प की ना टाई के बदले में, उसने ये कहा है कि पिन को जेल पे नहीं भेजेगा, मतलब पिन को कुछ भी नहीं करेगा। और यहाँ पर पिन कॉल करके बोलती कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुम कब तक वापस आ रही हो, मैं तुम्हारे कुछ बनाने की ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर वो बोलते कि वो मेरा अपॉइंटमेंट ना 3 दिन के बाद शिफ्ट हो गया, तो
तुम प्लीज़ माइंड मत करना। तो यहाँ पर फिन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और उसके बाद टाई आई लव यू बोलती है। तो यहाँ पर ना वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अब तो उसे सच पता चल चुकी थी ना। तो आई लव यू जो मतलब लॉयल हस्बैंड बनने की कोई जरूरत ही नहीं। तो वो मुझे रोज़ बुला रहा है बोल रहा था, लेकिन बाद में वो बस आई लव यू बोल के रख देता है। तो यहाँ पर ना फिन सोचती कि नहीं नहीं मुझे ओवर थिंक नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं सोचती है। और उसके बाद यहाँ पर ना टाई खुश था क्योंकि रोज़ ने उसकी हेल्प की थी, वरना तो वो बहुत बड़े वंडर में फंसने वाला था। और यहाँ पर बदले में यही कि पिन को जेल नहीं भेजेगा, मतलब पिन को जेल जाने नहीं देगा। और इसी बात की वजह से वो भी खुश था और यहाँ पर रूज भी खुश था, क्योंकि वो जैसे तैसे करके पिन को तो बचाने वाला था। बेचारा यार पिन को कितना लाइक करता था, ये तो बड़ी बुरी बात हुई रूज के साथ। नेक्स्ट सीन जहाँ पर टाई अपने ऑफिस पे गया हुआ था, यहाँ पर ना उसे बहुत बड़े अमाउंट पैसे मिलने वाले थे अकॉर्डिंग टू उसके पापा के विल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर टाई को ये सब लेने में कुछ सही नहीं लग रहा था और वो बोलता है कि हम हॉस्पिटल का जो मेडिकल रिपोर्ट आने वाला है उसके बाद बात करेंगे, अभी मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा। और वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा था वो अपने पापा और अंकल का, मतलब उन लोगों ने उसकी ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा वेट किया और उसे समझा। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना पिन अपनी बुआ को भागते हुए आके बोलती है कि टाई ने मेरे अकाउंट पे 200 करोड़ समथिंग, मतलब 200 मिलियन भाट थाई लैंग्वेज में वो ट्रांसफ़र कर दिए। तो वो बोलती है बस इतना ही। तो पिन बोलती है कि ठीक है ना, ये हमारी आप प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ना उससे ना बुआ जी बोल रही थी कि देखो तुम उसकी लीगल वाइफ बनाऊंगी मैं, कुछ सब तिगड़म लगाओ कि तुम उसी के साथ रह शादी रजिस्टर करो ताकि उसकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर जो पिन बोलती कि ये करना सही होगा, मतलब उसे थोड़ा मतलब सही नहीं लग रहा था। लेकिन बुआ बोलती कि नहीं कुछ भी गलत नहीं है। इंदर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ना जो प्लाग काम करती थी उस जगह पर प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, कुछ लोकल्स आए थे और यहाँ पर फाइट कर गए। तो अब यहाँ पर जो शॉप था ना वो तहस नहस हो गया था और यहाँ पर जो शॉप ओनर थी बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्ला भी परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसने अब तक कोई परमानेंट जॉब तो की नहीं थी, टेम्पोरेरी जॉब का हाल ये था। तो वो सोचती कि मुझे किसी कीमत पे एक परमानेंट जॉब ढूंढनी होगी, वरना मैं टैन को अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊँगी, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। इंदर हमें दिखाया जाता है कि जो प्ला थी अभी याओ के घर में शिफ्ट हुई थी ये पता चलता है, लेकिन यहाँ पर आ जाने के बाद ना आग लगी हुई थी मतलब, और इधर उधर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि टैन तो अंदर ही था और रोने लगती है, चिल्ला रही थी, अंदर जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोग जाने नहीं दे रहे थे, तब यहाँ पर ना याओ आ जाती है। तो लकीली टैन और याओ बाहर ही थे। एंड देन अब ये लोग ना बहुत कोई सस्ता सा घर ढूंढ रहे थे रेंट के लिए। अब देखो वही तो है ना, जिनके पास पैसे नहीं उन वो एफोर्ड नहीं कर पाते, तो वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर ना सतीप आ जाता है, सतीप बोलता है कोई प्रॉब्लम में कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पर ना यहाँ साफ साफ बोल देती है ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, अब हम यहीं पर रहने वाले मतलब टेम्पल पर। वो बोलता है कि नहीं यार टैन के लिए तो ये सही नहीं है, तुम लोग कैसे रहो, मेरे पास एक घर है जो रेंट पे देता है, मुझे पता है एक दोस्त का घर है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती है कि नहीं नहीं हम ढूंढ लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन याओ अब वो सोचती है कि इतना मतलब इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा चीप प्राइस में घर नहीं मिल रहा, अगर साथी बोल रहे तो ठीक है ऐसा। और यहाँ पर साथी भी बोलते हैं कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज़ चलो। और यहाँ पर ना जो प्ला है वही बोलती है कि प्लीज़ तुम्हारी लेने आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ध्यान इतनी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में वो नहीं चल सकता। और उसके बाद वो उसके घर पे रहने के लिए चले गए थे, मतलब वैकेंट हाउस ऐसा उसने बोला था रात को सोते टाइम। यहाँ पर ना टैन ना सडनली जाग जाता है और रोने लगता है। प्ला उसके पास भागते हुए आते हैं, बोलते कि क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर ना वो बोला था कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि ये मेरा दोस्त का घर है, हमने रेंट पे लिया है। तो यहाँ पर ना वो बेबी इतने प्यार से बोलता है कि मम्मा क्या आप अफोर्ड कर पाओगे। तो यहाँ पर वो बोला था कि घर बहुत बड़ा है मम्मा। तो यहाँ पर वो बोलती कि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कोई सस्ता घर ढूंढने में बेटा तब तक हमें यहीं पर रहना है। तो यहाँ पर बोलते हैं लेकिन हम क्या अंकल टाई के घर पे नहीं रह सकते, मुझे ये अंकल पसंद नहीं है ऐसा बोल रहे था। तो यहाँ पर वो बोलती कि देखो अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मैं तुमसे बात करना बंद करूँगी। तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता और बोलते कि ठीक है मम्मा आप जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना। एंड नाम ये भी दिखाया गया है कि जो प्ला थी वो आती है नेक्स्ट कमरे में। यहाँ पर ना मतलब घर बहुत बड़ा था, अब सोचो आप लोग साथ ही अपने स्पेशली प्ला के लिए खरीदा होगा। और अब यहाँ पर आ जाने के बाद वो देखती कि कपड़े सिलने वाली मशीन थी और यहाँ पर प्ला तो अब डिजाइन बनना चाहती थी और वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिल से खुशी, जो दिल की खुशी में बोलते हैं ना, मतलब फेक स्माइल नहीं, और वो खुश हो जाती है। सतीप ना नीचे से उसे देख रहा था। इन दिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो टाई था, टाई आ जाता है प्ला के घर। यहाँ पर उसने सब कुछ फिक्स करवाया था, को जो छत लीक कर रहा था। और यहाँ पर याओ को पूछे कि प्ला ने तुमसे कॉन्टैक्ट किया, लेकिन याओ बोलते कि नहीं नहीं मुझसे तो कॉन्टैक्ट नहीं किया, पता नहीं कहाँ चली गई। तो यहाँ पर ना उसके बाद सुनने के बाद वो बोलते कि मुझे
टैन के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब छोटा सा बच्चा है कितनी बार शिफ्ट करेगा स्कूल, ऐसा वो बोला था। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो रात ही वो जॉब ढूंढने के लिए, अब देखो उसने पूरा मेकओवर किया है, मेकओवर बोलते हैं वे यहाँ पर ना, वो यहाँ बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन यहाँ पर ना इनकी किस्मत ख़राब हो गई थी क्योंकि अब सत्यप के मॉम को पता चल चुका था कि सत्यप ने जिस लड़की को मतलब जो लड़की उन्हें पसंद ही नहीं उसी को घर पर लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद वो वही करती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। प्ला को बहुत सुनाती है, क्या सुनाती है डजेंट मैटर, हमको आइडिया होगा होगा कि वही कैरेक्टरलेस लड़की ब्ला ब्ला। और यहाँ पर ना हो वन करती कि मैंने बार बार कहा था तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर चल जाओ, लेकिन तुम खुद जा ही गई नहीं रही हो, तो मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ पर एडिशनल क्या होता है ना, जो छोटा बेबी मतलब टैन आ जाता है, तो यहाँ पर टैन के सामने प्ला को 3-4 छप्पड़ लगा ही देती है। और ये अजीब सा मतलब अच्छा लग रहा था, ये कोई गलत नहीं लग रहा। और यहाँ पर ना टैन को धकेल देती है, तो इसी चक्कर में टैन को चोट आ गई थी। उसके बाद टैन को वो गले लगा कर रोने लगती है जब वो लोग चले गए थे। जाते टाइम ये बोलते हैं कि मेरे बेटे की लाइफ से दूर चल जा, वरना इससे बुरा होगा तुम्हारे साथ। यहाँ पर ये दिखाया है, इन दिन हमें और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना टाई और रूस परेशान थी क्योंकि प्ला कहाँ चली गई किसी को पता नहीं है। और एडिशनल बात क्या थी कि स्कूल पे चले जाने के बाद ना स्कूल ट्रांसफ़र किया ये सभी पता चलता है, 3-4 दिन से स्कूल आए नहीं थे। तो यहाँ पर टाई बहुत परेशान था और वो सोच रहा था कि प्ला क्यों भाग रही, किस बात से डर रही है प्ला। अब तक उसने तो मतलब बार बार कहा है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मतलब वो तो रेडी था ना हेल्प उनके लिए। और इस तरह से सडनली टैन को लेकर गायब हो जाना इन लोगों के लिए एक और सवाल खड़ा कर रहा था कि कहीं टैन सच्ची में उसी का बेटा तो नहीं। इन दिन यहाँ पर ना यहाँ को कॉल करता है टाई और यहाँ पर ना वो पूछता है प्ला कहाँ पर है, प्ला ने तुमसे कॉन्टैक्ट किया। और यहाँ पर याओ अब ऐसी सिचुएशन देखने के बाद प्ला की वो नहीं चाहती थी प्ला इससे ज़्यादा सफ़र करे, और सोचती कि ठीक ही है ना प्ला मुझे कुछ भी करे लेकिन उसकी लाइफ तो अच्छी रहेगी, टाई अच्छा इंसान है। उसके बाद वो बोल देती कि हम लोग कहाँ पर है, और बोलते कि अभी प्ला हॉस्पिटल पर चली गई है, टैन को चोट आई है। टैन को चोट आई जाने के बाद वो बहुत डर जाता है। इन दिनों में दिखाया जाता है कि इधर डुआंग जाई के साथ प्ला आई हुई थी टैन को लेकर, टैन को ऐसे गोदी पर बैठा कर और रो रही थी। और यहाँ पर टैन को वो लोग अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर सत्यप को दिखाया गया है, सत्यप को कुछ खास अपनी वाइफ से लगाव नहीं था, इतना आप लोग नोट करो। और इधर ना टैन को ढूंढने के लिए, टैन के साथ हॉस्पिटल आने के लिए रूज और टाई भी आए हुए थे। दोनों इतने ज़्यादा परेशान थे क्योंकि टाई को अब तक ये सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे, और साथ में सत्यप को भी पता चल चुका था कि उसकी मॉम ने क्या कांड किया है जिसकी वजह से अब प्ला सफ़र कर रही, तो ऑब्वियसली उससे तो प्ला जरूर दूर जाएगी इसी बात की वजह से। एंड देन हम फिर टिका जाते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पर ना टैन अभी उसने उसे कुछ एंटीबायोटिक्स देने के बाद वो सो रहा था, और यहाँ पर प्ला इतना ज़्यादा टूटी हुई थी ना, मतलब उसकी वजह से अभी उसका बेटा इसी हालत में उसे लग रहा था। तब यहाँ पर ना टाई आ जाता है, टाई आ जाने के बाद वो बोलता है कि तुम ठीक हो टैन कैसा है। तो यहाँ पर ना वो यहाँ पर देखकर बोलती कि तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर वो बोलता कि याओ ने तुम सडनली वो जगह छोड़ के चले गए, मैंने वहाँ पर सब कुछ फिक्स कर दिया है, प्लीज़ तुम शिफ्ट हो जाओ वहाँ पर, इस तरह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहना टैन के लिए सही नहीं। तो वो बोलती कि मुझे शिफ्ट नहीं होना वहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं है थैंक यू कंसर्न दिखाने के लिए, ऐसा बोलती। तो बोलती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है प्ला मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, तुम इस तरह से भाग रही हो सडनली तुम गायब हो गई वहाँ से, कुछ तो बात है ना, कोई तो बात है जो तुम्हें प्रॉब्लम में डाल रही है, प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। इस तरह से बार बार सिर्फ मौत हो सही नहीं है किसी के लिए भी, मतलब इतना प्यार से बोला था ना जो कंसर्न के साथ। और वो बोलता कि तुम क्या छुपा रही हो, किस बात से डर रही हो प्ला मुझे बताओ, ऐसा वो पूछ रहा था। तो यहाँ पर ना जो प्ला थी वो बोलती कि पता किस बात से सबसे बड़ी दिक्कत में हो, तो तुम बार बार मेरी लाइफ में आ रहे हो, बार बार मैंने मना किया है टैन के साथ मत मिलो, लेकिन फिर भी टैन के साथ मिल रहे हो, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही इसीलिए मैं तुम्हारे से शिफ्ट हो गई, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती, और मैं उस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी जहाँ पर तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो, और मैं वहाँ पर जब नहीं होंगी मुझे अपनी लाइफ में तुम नहीं चाहिए, तुम बार बार मेरे बेटे और मेरे बीच में मत पाओ, मेरे बेटे के साथ इतना इमोशनल बॉन्ड मत बनाओ, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर वो बोलता कि तुम्हें क्या बोल रही हो और तुम किस बात से डर रही हो, ऐसा वो पूछ रहा था। तभी होता क्या है ना, सत्यप आ जाता है। सत्यप आया तो यहाँ पर ब्लाजे मिलने के लिए था, लेकिन यहाँ पर टाई को देखने के बाद उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी, लाइक लिटरली उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। इसका रीज़न भी आपको याद होगा क्योंकि लास्ट टाइम सत्यप ने टाई को बचाने की ट्राई किया, लेकिन बाद में जब उसे याद आता है अरे यार ये तो इसी का हस्बैंड है, तो उसने जाने दिया था, अब ये जिंदा मतलब खड़ा हुआ है। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है, मतलब ऐसा डर कि कहीं से सच्चे बोलना दे कहीं से याद नहीं। तो यहाँ पर ना उसके बाद पता चलता है कि उसे तो कुछ याद नहीं है, और यहाँ पर ना
जो प्लाथी ओ सदे को एक एक कर इंट्रोड्यूस करवाती है टाई से कि मेरा दोस्त है बहुत अच्छा और इसने मुझे बहुत हेल्प की है ऐसा बोल देती है। और इसके बाद टाई बोलता है कि हाय एम टाई, मैं टाई का दोस्त हूँ। तो ये सुनने का दोस्त शौक था। और इसके बाद प्ला तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती ना सदेव को ना तो टाई को, जस्ट ऐसे कोई दो स्ट्रेंजर को मिला है ना इसी तरह से मिलाती है। तो सदैव सुन रहा था इसे सच्ची में याद नहीं ये क्या है। और उसके बाद यहाँ पर ना दोनों यहाँ पर जो सदैव था और प्ला को बोल रहा था कि देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ झिझकना मत, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा ऐसा वो बोल रहा था। और तभी यहाँ पर ना ये चीज़ टाई को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी। तभी होता क्या है ना, उसे किसी का मैसेज आता है, मैसेज आ जाने के बाद वो मैसेज को देखता है और उसके बाद कुछ सोचता है। तो पता नहीं ये मैसेज किसका था। यहाँ पर रोड प्ला को बोलता है कि मुझे कुछ चलेगा, मैं आप लोग यहाँ पर बैठूँ मतलब बात करूँ। और उसके बाद वो चला गया था यहाँ पर। उसके बाद प्ला बोलती कि प्लीज़ उसे कुछ भी मत बताना, उसे कुछ भी याद नहीं है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वो सब कुछ भूल चुका है और उसे पतिया ये भी पता नहीं है मैं उसको वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद सदैव को लगता है कि थैंक गॉड बच गया, क्योंकि सबसे बड़ा क्यूपी तो ये था। और यहाँ पर प्ला के इस तरह से मतलब सच्चाई मत बताना ऐसा बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होने का भी रीज़न सही था उसके हिसाब से। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि प्ला को डुआंगजाई एक शॉप पे ले जाती है। यहाँ पर ना सदैव ने उसके लिए एक पूरा मतलब शॉप ही खोल दिया था। वो मना कर रही थी लेकिन वो बोलता है बोलती है कि देखो टैन की अच्छी लाइफ के लिए ये ज़रूरी है, तुम कब तक स्ट्रगल करोगी। तो ये चीज़ भी उसे भी अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर इसका काम ये था कि ये बस डिजाइनिंग करेगी, बाकी मेंबर्स वो लोग ढूंढ लेंगे। इन दिन हमें दिखाया जाता है इधर जो पिन कॉल करके पूछ रही थी, तो यहाँ पर बोलते हैं मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और जो मतलब जितने प्रॉपर्टी जितने भी थे ना टाई की, वो सब ट्रांसफ़र करने में वक्त तो ज़रूर लगेगा। लॉयर के पास होने के बाद मतलब मर जाने के बाद ये सारी चीज़ वो बोल रहा था। देखो बहुत वैलिड वाला रीज़न बताया था, वो बेवकूफ़ी बना रहा था। और वो बोलता है कि मैं जल्दी आऊँगा फिकर मत करो। तभी उसे डोरबेल बजता है, इन्हें इधर दिखा जाता है हमारे छोटे बेबी टैन को आता है यहाँ पर, यहाँ सो रही थी तो उसके हाथों से फ़ोन छीन लेता है। तब यहाँ पर उसे एक पार्सल मिलता है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप स्कैन करो, मतलब वो डीएनए रिपोर्ट हो सकता है। इन्हें यहाँ पर टाई क्या करता है ना, तब स्कैन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला था। तभी आता है टैन कॉल करता है, टैन कॉल कर रहा था वो उठाए, इससे पहले एक मैसेज आता है। मैसेज आने की वजह से वो मैसेज ओपन करता है ना, तो यहाँ पर थी प्ला जो सो रही थी, मतलब जो डुआंग जाए ना पानी पीने के लिए दे दिया था। और वहाँ पर ना वो उससे उसी टाइम पे बेहोश हो गई, शायद इनका प्लान हो सकता है। तो इसी तरह से जो टाई था वो देख लेता है कि प्ला मुसीबत में है, ये जानने के बाद वो डर जाता है। और इधर जो टैन कल कर रहा था वो तो इग्नोर हो ही गया। और उसके बाद वो फोटो को कुछ करता है, अब मुझे नहीं पता इतनी सारी टेक्नोलॉजी की बात है, वो उसका लोकेशन भी निकाल लेता है वही फ़ोटो देखने के बाद कहीं से। और उसके बाद वो अब प्ला को बचाने के लिए जाने वाला था ऑब्वियसली। इन दिन हमें दिखाया जाता है सदैव, एक मतलब बड़ा बिल्डिंग था, मुझे नहीं पता क्या है नाम। और यहाँ पर वो इसी ने सब किया था और अब वो सोच रहा था कि इस बार मैं इसको खत्म जरूर करूँगा, क्योंकि प्ला और इसके बीच में कोई हरा नहीं सकता। एंड एज यूजल प्लान के हिसाब से वो अपना मास्क पहन लेता है, मतलब फेस ढकने के लिए टाई आ गया था। और वो पूछता था कि प्ला कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई बताता नहीं। फायर साइड हो गई थी, पहले हीरो भारी पड़ रहा था सबके साथ, लेकिन बाद में कोई आके टाई को सर पे मारता है। और उसके बाद वो सत्य यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि तुम लोग कौन हो टाई, और प्ला कहाँ पर है। तब यहाँ पर सदैव आता है, सदैव वही लास्ट टाइम जो सीन था एग्जैक्ट वही होता है। यहाँ पर वो गिरने वाला था, उसे धकेल देता है। तो और यहाँ पर ना वो ऐसे टंगा हुआ था, सदैव ने मास्क पहना था तो उसे दिख रहा था एग्जैक्ट वही सीन जिस तरह से पानी के टाइम पे वो मतलब बह गया था। और उसे देखने के बाद ना वाह यार, इस टाइम पे उसे सारे फ्लैशबैक आते हैं, चाहे वो बहुत रिवर्स ऑर्डर में क्यों ना हो, लेकिन अब तक के सारे। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ ना, ऐसा लगता है टाई को। और उसके बाद जो सदैव था उसके पैरों पर लात मारता है, एंड देन टाई नीचे गिर गया था और उसके बाद उसे चोट आ गई थी। और यहाँ पर ना सदैव ने फाइनली अपने दुश्मन को फिर से एक बार रास्ते में से हटा दिया। तो नीचे आने के बाद ये क्या करता है मैं वो भी बता देती हूँ आपको, कि पेट्रोल मट्टी तेल व्हाट इज इट आई डोंट नो वो छिड़कता है और उसके बाद वो लाइटर जला देता है। एंड वी डोंट नो कि क्या टाई की कहानी सच्ची में खत्म हो गई इसी के साथ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब मेरे वीडियो पे 1000 के लाइक आएगा और एटलीस्ट 100 लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेक श्योर अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा चैनल नया नया है तो आप लोगों की इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख लो लेकिन कमेंट कर दो ताकि मेरा इंगेजमेंट बढ़ेगा, ताकि यूट्यूब मेरा वीडियो सजेस्ट भी कर सके। तो लव इन डिस्क्रिप्शन का पार्ट 12 का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट डाउन कमेंट में नेक्स्ट बार भी जरूर लिख लेना। आप लोग मेरे लिए बहुत अमेजिंग ऑडियंस रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज ही देखना है तो प्लीज़
सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।